अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं रिव्यू देने वाली हूँ वो एक मैजिकल सीरम है जो मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को इसके बारे में बताऊँ, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं और रीज़नेबल प्राइस में अगर मिलें, इफ़ेक्टिव हों, तो सबको बताने चाहिए, क्योंकि स्किन के जो इश्यूज हैं वो आजकल कॉमन हैं। तो ये है बायो वन वाइटामिन सी सीरम। ये जो है एस्कॉर्बिक एसिड के साथ है और एडवांस फॉर्मूला है। ये मैंने खुद यूज़ किया है, इसीलिए मैं इसके बारे में जो है बता रही हूँ। आज आपको इसके बारे में रिव्यू देने वाली हूँ डिटेल में, कि ये कैसा है और इसको कैसे यूज़ करना है, कितने टाइम बाद जो है आपको अपनी स्किन में जो है एक वाज़े फ़र्क नज़र आएगा ये यूज़ करने के बाद। ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसका जो है कंप्लीट रिव्यू ज़रूर सुनिए। सबसे पहले इसकी पैकिंग और प्राइस की बात करते हैं। इस तरह की ये पैकिंग में आता है और 20 ml होता है और बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव नहीं मिलता। यूजली जो है आपने अगर बहुत जो है हाई एंड ब्रांड के सीरम यूज़ किए होंगे तो वो भी 2200, 2500 इस प्राइस रेंज में मिलते हैं। ये आपको जस्ट 1800, 1850 में इजीली मिल जाएगा और किसी अच्छे जो है मार्ट से या फिर मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगा किसी अच्छे। तो इसके अंदर जो है, पहले मैं वो बताती हूँ आपको, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, बेस्ट एंटी एजिंग फॉर्मूला, ब्राइट एंड इवन स्किन टोन के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, इवन करेगा, रिड्यूस अंडर आई सर्कल्स, डार्क सर्कल्स पे भी ये वर्क करता है। आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है, ये मॉइस्चराइजर भी है एक तरह से। ये आप फेस वॉश करने के बाद लगाएं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, जब भी आप चाहे लगा सकते हैं। और इसके दो ड्रॉप्स ही जो है काफ़ी होते हैं, उनको आप फुल फेस पे जो है ब्लेंड कर लें बिल्कुल भी। सबसे अच्छी बात इसकी ये है, बिल्कुल भी ये ग्रीसी नहीं है और इजीली आपकी स्किन में जो है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसको सही से ब्लेंड करेंगे, सिर्फ इसके टू ड्रॉप्स काफ़ी हैं। अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ इसकी बॉटल कैसी है। ऐसी बॉटल में आता है और 20 ml मेरे ख्याल से आपके महीने के लिए काफ़ी है, अगर आप इसको डे नाइट भी यूज़ कर रहे हैं तो। इसके दो ड्रॉप्स मैंने बताया काफ़ी होते हैं और ये मैजिकल सीरम है। आप लोगों ने अगर बहुत सारे सीरम यूज़ किए हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ा है स्किन पे, तो ये ज़रूर यूज़ करके देखें, क्योंकि इसमें जो है वाइटामिन सी जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी स्किन के ये सॉल्व कर सकता है। मैंने ख़ुद यूज़ करके देखा है और मुझे वाज़े जो है डिफरेंस पता चला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन यूज़ किया और आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तकरीबन आपको 2-3 महीने इसको रेगुलरली यूज़ करना है तो आपको फिर साफ जो है फ़र्क नज़र आएगा। इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे वो मैं बताती हूँ। इसमें एक तो एस्कॉर्बिक एसिड है मैंने बताया, जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्किन सेल्स में और उन प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को, जो जिनकी सन डैमेज होता है, सन बर्न होता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। मॉइस्चराइजिंग सीरम है ये, बहुत ही लाइट टेक्सचर का
इसीलिए आपको स्किन पे लगाने के बाद फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है। ये एंटी एजिंग भी है, तो आप इसको यूज़ करेंगे, आपको वाज़े फ़र्क लगेगा आपके जो है जिनके पिगमेंटेशन होती है स्किन पे, और स्किन इवन नहीं होती है, अनइवन स्किन टोन होती है, डार्क स्पॉट्स होते हैं, ये सबको जो है रिड्यूस करेगा, को ब्राइट करेगा। और बहुत ज़्यादा जो हाइपर सेंसिटिव स्किन है अगर आपकी, तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो उनको नहीं मैं ये रेकमेंड करूँगी। वैसे ये नॉर्मल स्किन के लिए, और अगर थोड़ी सी सेंसिटिव है तो वो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं सेंसिटिव स्किन पर भी, क्योंकि ये बहुत ही, मैंने बताया ना, लाइट टेक्सचर का है, और इसमें जो है वाइटामिन सी है, जो हर टाइप की स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका टेक्सचर भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल जो है ऑयल बेस्ड नहीं है, वाटर बेस्ड है, इसीलिए बहुत ही लाइट है। और सबसे जो मुझे इसकी अच्छी बात लगी है वो यही कि ये आपकी स्किन पे, एक तो बहुत सारे सीरम होते हैं ना, उनको लगाओ तो एक हैवी लुक आता है और आपको बहुत हैवी फील होता है जैसे स्किन पे कुछ लगाया हुआ है। स्पेशली मेरे जैसे लोग जिनको कुछ भी स्किन पे लगा के चिप चिप फील होने लगता है, और बहुत ही मुझे तो इरिटेशन होने लगती है अगर लगे कि स्किन पे कुछ है, ये लगा के आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने स्किन पे कुछ लगाया हुआ है, इतना ये जो है लाइट टेक्सचर है। और फिर मैंने इतने सारे सिरम यूज़ किए हैं, इवन मैंने जो है ऑर्डनरी सिरम भी यूज़ किए हैं, ऑर्डनरी के भी काफ़ी सारे, लेकिन बहुत ज़्यादा उनसे मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इसको यूज़ करके मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला, मैंने सोचा आप लोगों को इसके बारे में बताऊं ज़रूर, ताकि आप लोग ये यूज़ करें। और इतना ज़्यादा ये अफोर्डेबल प्राइस में है, हर कोई ये इजीली ले सकता है, और एक दो महीने इसकी ये बॉटल इजीली आपके पास चलेगी अगर आप दो ड्रॉप्स लगाएं। तो मेरे लिए तो ये मैजिकल सीरम है, इसीलिए मैंने सोचा इसका रिव्यू दूँ आप लोगों को, ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको कोई भी स्किन से रिलेटेड जो है इश्यूज़ हैं जो आजकल होते हैं, किसी को कम होते हैं, किसी को ज़्यादा होते हैं, और पिगमेंटेशन का, अनइवन स्किन का, डार्क स्पॉट का तो इश्यू हर किसी में कॉमन है आजकल, तो ये सारी जो है आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। बस आपको ये रेगुलरली यूज़ करना है, मैं बार बार बताती हूँ, कोई भी चीज़ जो है ऐसे नहीं होती कि आपको विद इन 2 डेज रिजल्ट मिल जाए, कोई मैजिक नहीं है, इसको रेगुलरली यूज़ करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग और नाइट, अगर आपको नहीं यूज़ करना, एक दफ़ा भी आप दिन में यूज़ कर सकते हैं। नाइट में मैं ज़्यादा जो है रेकमेंड करूँगी नाइट में यूज़ करें, 2 ड्रॉप्स अपने बिल्कुल फेस वॉश करने के बाद अपनी स्किन पे लगाएं, और हर रोज़ रात में ये यूज़ करें। आपको इंशाल्लाह 1 से 2 महीने में रिजल्ट नज़र आने लगेंगे। आप देखेंगे अगर आपकी स्किन अनइवन है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, सब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है फेड होने लगेंगे। और इसकी 2 से 3 बॉटल्स आपके लिए आपके सारे स्किन इश्यूज को इंशाल्लाह सॉल्व कर देगी। थैंक यू सो मच, अगर रिव्यू पसंद आया हो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, या फिर मैसेज करके। इंशाल्लाह फिर दोबारा मैं आऊँगी किसी अच्छे प्रोडक्ट का जो मुझे लगेगा आप लोगों को बताना चाहिए, उसके बारे में रिव्यू लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमान।